दोस्तों आज आप लोगों को बताने वाला हूं आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आ रहा है जो कि आप लोगों को भी जानना जरूरी है। टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देखा आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, वो है कि रिकवरी एजेंट्स बैन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जो है रिकवरी एजेंट्स बैन होने वाला है, मतलब लगभग जो है 90% रिकवरी एजेंट्स बैन हो जाएगा जैसा कि माना जा रहा है। बहुत सारे ऐसे न्यूज में देखने को मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड के थ्रू पता चल रहा है कि 90% के आसपास जो है रिकवरी एजेंट्स बैन हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को सारा कुछ डिटेल वाइज बताने वाला हूं, वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर आरबीआई की तरफ से एक न्यूज आ रहा है और वो न्यूज क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर आप लोगों को डरना बंद कर देना है क्योंकि अभी के टाइम में रिकवरी एजेंट्स के ऊपर ये न्यूज आ रहा है, रिकवरी एजेंट्स बहुत जल्द बैन होने वाला है क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। आरबीआई ने कुछ इन्वेस्टिगेट किया, कुछ रिसर्च किया, तब पता चला कि कुछ ऐसे रिकवरी एजेंसीज है जो कि आरबीआई से लाइसेंस ही नहीं है। आप सभी को पता होगा कि अगर मानो कोई भी फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहा है, लेंडिंग हो सकता है या फिर जो भी रिकवरी एजेंट हो सकता है, तो उसके ऊपर आरबीआई का जो है लाइसेंस की प्राप्ति करना जरूरी है। ठीक है, अगर मानो एनबीएफसी है, बैंक है, उनको भी लाइसेंस की जरूरत है, और रिकवरी एजेंट्स अगर हो रहा है मतलब वो भी फाइनेंस से ही जुड़ा हो रहा है तो वहां पर उन लोगों को भी लाइसेंस की जरूरत है और उस लाइसेंस को बोला जाता है डीआरए सर्टिफिकेट। तो रिकवरी एजेंट्स बहुत सारे ऐसे लगभग 90% रिकवरी एजेंसीज है जो कि लाइसेंस नहीं है उनके पास और वो जो है इलीगल वे में काम कर रहे हैं। अब इलीगल वे आप लोगों को पता है किस तरीके से काम करें, जितने भी रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल करते हैं, जितने भी रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे विजिट करते हैं, लगभग 90% उसमें से 92-99% मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रिकवरी एजेंट्स जो भी है वो फेक होते हैं, वो आप लोगों को डराने के धमकाने के काम करते हैं, इलीगल वे में काम करते हैं जो कि कर नहीं सकता। यहां पर आरबीआई ने बोला है बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है जिनको टाइम दिया है कि अगर इस टाइम तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सभी का जो है यहां पर बैन होना निश्चित है। ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा जो है गुड न्यूज आप लोगों को अच्छा खासा गुड न्यूज सुनने को मिल रहा है। यहां पर बहुत ही जल्द रिकवरी एजेंसीज जो है बैन होने वाला है, अगर कोई भी ऐसा करता नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो यहां पर बैन हो जाएगा। अब यहां पर और भी चीजें हैं क्या कि अगर मानो जिसके पास डीआरए सर्टिफिकेट नहीं है वो आपके पास आ रहा है तो वहां पर आप लोगों को भी कुछ गाइडलाइंस दिया है आरबीआई ने, कुछ चीजें बताया, आप लोगों का राइट्स बताया है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर मानो कोई भी एजेंट आपके घर पे विजिट कर जाता है, सबसे पहला गाइडलाइंस आरबीआई की तरफ से यह है कि कोई भी एजेंट विजिट करने से पहले फोन करेगा, कहां से आ रहा है, क्या करने आ रहा है, सब कुछ जो है वो डिटेल वाइज बताएगा, कितने लोग आ रहे हैं सब कुछ बताएगा फोन में। अगर आप फोन में बोलते हो कि हाँ मैं घर पे हूं, आप घर पे आ सकते हो, अगर आप परमिशन देते हो तभी वो लोग आपके घर पे आ सकता है। अगर आप बोलते हो कि मैं यहां पर नहीं हूं या फिर हो भी तो भी अगर आप बोलते हो कि मैं घर पे मीट नहीं करना चाहता हूं, मेरे फैमिली मेंबर्स को ये सब जो चीजें है इसको इसके बारे में नहीं पता तो मैं यहां पर बाहर मीट करना चाहता हूं, तो उन लोगों को वही बात सुनना पड़ेगा। आप अगर मना कर रहे हो तो वो घर पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हो गया एक पहला गाइडलाइंस। दूसरा गाइडलाइंस ये है कि अगर मानो कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, फोन करके आता है, सबसे पहले उनको चार्ज करना है कि आपका आई कार्ड दिखाओ। दूसरा जो चीज है वो है आपका डीआरए सर्टिफिकेट दिखाओ, क्योंकि डीआरए सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर कोई भी डीआरए सर्टिफिकेट नहीं लाता है तो वो रिकवरी एजेंट्स का जो है नहीं होता है, वो रिकवरी एजेंट्स नहीं है, वो आरबीआई से लाइसेंस नहीं है, वो इनलीगल है, तो आप लोगों को उससे बात करना नहीं है। यहां पर आरबीआई खुद बोला है। ठीक है, डीआरए सर्टिफिकेट मतलब होता है डेप्थ रिकवरी सर्टिफिकेट। तो अगर मानो डीआरए सर्टिफिकेट अगर लेते हो मतलब उनके पास रहता है वो, उसका मतलब क्या है, कैसे मिलता है उन लोगों को डीआरए सर्टिफिकेट? मिलता है जब मानो कोई भी रिकवरी एजेंट्स कोई भी एजेंसी ज्वाइन करता है तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग में लगभग 100 घंटे का ट्रेनिंग दिया जाता है, रिकवरी एजेंट्स किस तरीके से काम करते हैं क्या करते हैं 100 घंटे का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उस 100 घंटे का ट्रेनिंग अगर लेता है तभी उनको डीआरए सर्टिफिकेट मिलता है। तो डीआरए सर्टिफिकेट अगर नहीं है, अगर मानो डीआरए सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, इसका मतलब वो कोई भी ट्रेनिंग लेके नहीं आया है, वो कोई भी ऑथोराइज जो है कोई भी एजेंसी से नहीं है, यहां पर जो भी है इलीगल काम कर रहे हैं। और जो तीसरा चीज वो है रिकवरी, जो कि एक ऑथोराइजेशन लेटर कहां से आ रहे हैं, कौन से बैंक से आ रहे हैं, कौन से एनबीएफसी से आ रहे हैं, उनका लेटर जो है उनके पास होना जरूरी है, मैंडेटरी। ये तीन चीज कर दिया है। कोई भी एजेंट अगर आता है आपके घर पे, सबसे पहले आप लोगों को फोन ऑन करना है, फोन ऑन करके आप लोगों को तीन चीजें पूछना है, आपका रिकवरी एजेंट जो भी आपको उसका प्रमाण दिखाओ, मतलब आपका आई कार्ड दिखाओ, डीआरए सर्टिफिकेट दिखाओ, ऑथोराइजेशन लेटर दिखाओ, कहां से आ रहे हो। अगर नहीं दिखा पाता इनमें से एक भी, ठीक है, एक अगर दिखाई नहीं पाए तो भी आप लोगों को बात करने की जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ दिखा देते हैं तो आप लोग बात करो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर और भी चीजें हैं कि रिकवरी एजेंट्स के ऊपर और भी गाइडलाइंस है जो कि आप लोगों को वीडियोस में, मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने बनाया है जिसमें ऑलरेडी बोल कर रखे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो भी रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो आरबीआई से लाइसेंस्ड है, आरबीआई से अगर लाइसेंस्ड है मतलब उनसे जो है डीआरएस सर्टिफिकेट लेता है तो इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस है। जैसे कि वो किसी के घर पे जा तो रहा है लेकिन किसी से बदतमीजी नहीं कर सकता, किसी का पर्सनल डेटा लीक नहीं कर सकता, घर पे जो भी पर्सनल लोन लिया है उससे अलग कोई भी इंसान किसी को नहीं पता होना चाहिए कि किस सिलसिले में वो घर पे आया है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है ये जो भी है ये प्राइवेसी है, ठीक है, आपका जो भी डेटा है वो टोटली जो है प्राइवेसी प्राइवेसी जो है रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो भी है गाइडलाइंस है। लेकिन ये लोग करता कुछ नहीं है, ये घर पे आके चिल्ला कर बात कर देते हैं, आपके आस पड़ोस जो है सबको बता देते हैं, जो कि इलीगल तरीके से काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को अगर देखने को मिलता है ऐसा चीज तो आप लोगों के ऊपर कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, आप लोगों को खुला छूट देकर रखे हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर रिकवरी एजेंट्स का नौकरी भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आरबीआई का एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर मानो कोई भी आप प्रूफ रख लेते हो और आरबीआई को कंप्लेंट कर देते हो कौन से एजेंसी से आया है सब कुछ जो है डिटेल्स अगर आप भेज देते हो तो उस एजेंट का नौकरी जो है चला जाएगा उन लोग, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा अपडेट अभी के टाइम में आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे लोन एप्लीकेशन चला, आप लोगों को लोन एप्लीकेशन परेशान करे, बैंक परेशान करे, क्रेडिट कार्ड वाले परेशान करे, या फिर आप लोग रिकवरी एजेंट्स वाले परेशान करे, यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी करना नहीं है, डरना नहीं है, बस आप लोगों को सब कुछ जो है नॉर्मल तरीके से सोचना है, समझना है, आप लोग इससे निकल जाओगे बहुत आसानी से, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।